तेरा फ्रेंड है, हसबेंडी बनाने जा रही है लहसुन की चटनी, किसी ने नहीं खाई। ये थोड़ा सा अंदर होता ना तो मजा आ जाता। अचानक से ना कैंसिल हो गया, तो नन का कॉल आ गया कि मैं आ रही हूँ। देखो छुप रहे हैं पीछे, इसी कपड़ों में भाई दुश्मन आएंगे। ये आदमी ना मेरी ना केयर नहीं करता था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कल ना ग्रहण था इसलिए कल का मैंने ना कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि कल सुबह से ना सूतक लग गया था और शाम को फिर 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक ग्रहण था, तो 6 बजे तक हमने कुछ नहीं किया। और आज मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अब 11:30 बजे हो गए और भुवनेश कृष्णा अभी ना बाहर गए हैं दुकान में कुछ लेने के लिए, अपने लिए कुछ चीज़ वगैरह, और हसबैंड जी गए हैं किसी काम से बाहर। और आज राम राम है ना, इसलिए आप सबको राम राम। तो अब मैं ना खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ बनाया ही नहीं। और 11:30 बजे अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं ना करेला बना लूँ, तो घर में ना फ्रिज में करेले भी पड़े हैं तो वो ख़राब हो जाए, उससे पहले मैं करेले बना लेती हूँ। तो चलो करेले बना लेते हैं, चलते हैं किचन में। तो ये देखिए, ये रहे हमारे करेले, तो ये ख़राब होने वाले हैं, तो इससे पहले कि ये ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो इसको बना लेते हैं। साथ में डालूंगी मैं इसके अंदर मिर्च और प्याज, मिर्च और प्याज को भर के मैं ये ना भरवा करेला बनाऊंगी। यहाँ पर ना बाहर बैठ के छीलूंगी मैं इसको। और प्याज काटने के लिए भी मैं चॉपर ले लेती हूँ। ये देखिए चॉपर भी ले लिया मैंने, इसको भी बाहर ले लेती हूँ। क्या क्या लेके आए हो? नींबू भुजिया और भाई कुरकुरा लेके आया है ना। तो खाना खा लो। क्यों? करेले की सब्जी। हाँ, क्या बात है, चटनी बड़ी है, चटनी खा लो, चटनी खा ले। किचन में आओ, इतनी दूर रोटी कौन देगा आपको। कैसे बने करेले? करेले टेस्टी है। बाहर कोई आया है? तेरा फ्रेंड है? राम राम करने है फ्रेंड के साथ जा रहा है। तो दो दो ये क्यों पहने? एक पहन के जा, एक खोल दे ऊपर वाला या नीचे वाला, दिक्कत नहीं है। फैशन है क्या? ठीक है घूमा। तो कृष्णा गए अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए। रोटी जल गई मेरी फिर से। कितनी देर में आएगा वापस? आधे घंटे में। ठीक है ठीक है। खाना भी नहीं खाया तूने? भुवनेश नहीं खा रहा करेला? भुवनेश करेला कहाँ खाएगा? हमें अच्छा लगते हैं करेले, नहीं खाएगा तो हम खाएंगे। बस चटनी के साथ खा रहे हैं बच्चे खाना। चटनी बना लेते हैं और आज फ्रेंड्स खाना हमने खा लिया, हसबैंड जी ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, और मैंने अपना किचन भी क्लीन कर लिया है। अब हसबैंड जी बनाने जा रही है लहसुन की चटनी। वो देखिए लहसुन छिल रहे हैं। हमारे घर में ना लहसुन की चटनी हसबैंड जी बनाती है, इन्हीं के हाथ की चटनी ही सबको अच्छी लगती है, मेरे से बनती नहीं है और मैं ना बनाती भी नहीं हूँ। ये लहसुन छिल रहे थे तब तक मैं खाना खा रही थी, अब मैंने खाना खा लिया, अब मैं कर देती हूँ हसबैंड जी की हेल्प। तो हसबैंड जी ने बोला चार टमाटर ले लो, एक प्याज ले लो, तो मैं चार टमाटर और एक प्याज ले लेती हूँ और उसको चॉप कर लेती हूँ। एक टमाटर बाहर गिर गया, इसका ढक्कन कहाँ गया? इसका ढक्कन तो बाहर ही था, मैं अंदर ले गई। हाँ अंदर ले गई, देख के लेती नहीं है टमाटर, दे इसको मैं अंदर ले आई। बहुत है इतना? हाँ बहुत है, थोड़ी थोड़ी बड़ी। ये रहे प्याज, ये लो चॉप कर दिया मैंने, तेल डाल दिया। तो ये कुर्सी निकाल, तो एक ये कौन सी छोटी वाली? अब इसमें मिर्ची डाल। ये मिठाई हसबैंड जी दीपावली को लेके आए थे, अब तक बड़ी है, किसी ने नहीं खाई, आज खाएंगे इसको, क्योंकि दीपावली वाली मिठाई बहुत थी, वो ही नहीं खाई गई। लो क्या क्या डालूँ इसमें, कितना डालूँ? दो चम्मच मिर्ची डाल भर के, ज़्यादा मिर्ची नहीं डालेंगे, कम मिर्ची डालें। ये लो दो चम्मच मिर्च और एक चम्मच नमक डालो, बस इतना बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। और दाने डाल दे सारे, ये सारे डाल दो, और हल्दी डाल दे, बस और ये बनाना पड़े हैं, इसी मैं खा रही हूँ अभी। एक खा ले, एक क्या तेरे को खा ले, एक ही खा लेते हैं, यही बहुत है। और आज मैंने अपनी ये रेड कलर की ड्रेस
डाली है। कैसी लग रही है मेरे पे रेड कलर का ड्रेस? बहुत अच्छा है। ये वैसे पेट मेरा थोड़ा सा बाहर है, ये थोड़ा सा अंदर होता ना तो मज़ा आ जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं। जब अंदर डालूँ ना तब थोड़ा यहाँ से ये थोड़ा अच्छा लगता है खुला खुला, जब ऐसे नॉर्मल आती हूँ ना तो थोड़ा बाहर आ जाता है। मेरे कपड़े को टच हो जाता है मेरा पेट। हस्बैंड जी ध्यान कुछ ज़्यादा ही रखते हैं इसलिए पेट बाहर आ गया। हाँ पापा का खुद का तो नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, हस्बैंड जी ना ध्यान कुछ ज़्यादा ही रखते हैं इसलिए मेरा पेट बाहर आ गया, और मैं हस्बैंड जी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाती इसलिए इनका पेट बिल्कुल भी बाहर नहीं आया। खा लेती हूँ बनाना, आप भी खा लो, यहाँ से खा लो, यहाँ से जूठा है यहाँ से खा लो। और कृष्णा अभी तक नहीं आया, डेढ़ बज गया, आएगा एक डेढ़ घंटे में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स दोपहर के बज गए 3 और हस्बैंड जी अभी ना अपने मम्मी के घर जा रहे थे, वहाँ जहाँ पर उनकी मम्मी पापा रहते हैं ना वहाँ पे, मतलब मेरे सास ससुर जा रहे थे वहाँ जा रहे थे, उनके वो क्या बोलते हैं उसको राम राम करने जा रहे थे, और मैं भी जा रही थी, बच्चे जा रहे थे, हम सब जा रहे थे, पर हमारा अचानक से ना कैंसिल हो गया क्योंकि मेरी ननंद का कॉल आ गया कि वो ना आज ही भाई दूज मना रहे हैं, तो मेरी ननंद आने वाली है अभी घर पर तो वो आज ही मना रहे हैं भाई दूज, तो इसलिए उनका जाना हो गया कैंसिल, क्योंकि घर पे होंगे तभी तो नंदन उनके टीका निकाल पाएगी ना, नहीं तो कैसे निकालेगी। और मैं अपना भाई दूज ना कल मनाने का प्लान है, पर हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि ननंद आज मना रही है तो तुम भी आज मना लो, तो देखते हैं। अभी तक मेरा ना डर नहीं है कि मैं आज भाई दूज मनाऊंगी या कल भाई दूज मनाऊंगी। और कृष्णा गया सुबह से बाहर और अभी तक वो ना आया नहीं है, तो भुवनेश गया अभी कृष्णा को लेने के लिए, कृष्णा को लेने जा रहा है ना, भूआ आने वाली है जल्दी ले आ, ऐसा ना भूआ आ जाए, वो तो हो ही ना घर पे, हवा भर रहा है, हवा नहीं है साइकिल में। ये देखिए मेरी हालत से आपको पता लग ही रहा होगा कि मैं ना अभी एडिट वगैरह कर रही थी अपना वीडियो, और उसके बाद एडिट करते करते मेरे को ना नींद आने लगी, तो मैं सोने ही वाली थी 1 घंटे के लिए, तभी मेरे को नन का कॉल आ गया कि मैं आ रही। अब मेरा तो वो ना प्लान कल का ही है बनाने का, पर देखते हैं अचानक से क्या पता कैंसिल हो जाए मेरा कल का, मतलब चेंज हो जाए मेरा प्लान, क्या पता मैं भी आज ही चली जाऊँ शाम को ही, क्योंकि आज ना 3 या 4 बजे से भाई दूज अभी ना स्टार्ट हो रही है और कल 1 बजे तक भाई दूज है, तो अगर कुछ लोग आज मना लेंगे शाम को और कुछ लोग कल मना लेंगे सुबह। तो ये देखिए मेरे बाल ऐसे ही बिखरे हुए हैं और मैं अपने इसी ड्रेस में हूँ, नॉर्मली जो घर पे ड्रेस पहन के रखते हैं ना, और देखो छुप रहे हैं पीछे, इसी कपड़ों में भाई दूज मनाएंगे। मैं चेंज कर रहा हूँ ना। आप चेंज कर लो, तू भी कर ले, फिर वो बस टीका ही तो निकालना है, अभी तो जाएगी, मैं भी आज ही जाऊंगी, आज ही जाएगा क्या है, पूछ ले फोन करके, वो मना थोड़ा ना करेंगे, मेरे भाई की तो मतलब घी की दुकान है, वो तो घर पे रहते हैं, उनके उनके चाहे तो मतलब अभी जाओ या सुबह जाओ, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो चले जाओ शाम को आराम से जा सकते हैं, अब कौन सी धूप है तो जाइए शाम को, है ना। मैं भी तैयार हो जाती हूँ, अगर मैं अगर पीएन नहीं गई ना तो फिर मैं तैयार नहीं होऊंगी, इसी ड्रेस में नाना से टीका करवा लूंगी, क्योंकि कहीं जाना नहीं होएगा तो मैं तैयार नहीं होती, मेरा ना ज्यादा तैयार होने का मन नहीं रहता, मैं ना सिंपल ही रहती हूँ ज़्यादातर। देखिए मैंने ना लिपस्टिक तक नहीं लगा रखी, मैं ना तैयारी नहीं होती हूँ ज़्यादातर, मेरा मन ही नहीं करता घर पे तैयार होके, मतलब एनी टाइम बैठे रहना, और होंठों पे मेरी लिपस्टिक ज़्यादातर टिकती नहीं है क्योंकि मेरी ना आदत है, मैं होंठों को ऐसे खाती रहती हूँ, ऐसे 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 करके खाती रहती हूँ, तो मेरी सारी लिपस्टिक उड़ जाती है। ननंद आ गई, ननंद सूट पहन के आई, अपना ड्रेस दिखाना, तो आप खड़े होके दिखाओ, हमको ऐसे दिख थोड़ा ना रहा है, दिख खड़े हो, दिख थोड़े ना रहा है हमको, हम तो दिख थोड़ा ना रहा है, हम तो दिख नहीं रहा, ऐते तीते हैं ऐते, हम तो दिख रहा है। और ये देखो मैं भी अपनी ननंद की देखा देखी करूंगी, मैं भी सूट ही पहनूंगी क्योंकि इन्होंने भी सूट ही पहना है, तो ये देखो सल आ गया इस पे, प्रेस कर लेती हूँ सारा, ये ड्रेस मैंने ना सिर्फ 1 बार ही पहनी है, उस दिन पहना था ना शायद तो कुछ खराब हो रखा है यहाँ से, मैंने देखा ही नहीं, मैंने धोया ही नहीं इसको, तो पिछली बार भी त्यौहार में ही पहना था और 2-3 घंटे ही पहना, फिर मैंने सीमेंट के रख दिया, कुछ गिरा हुआ है कुछ खाना वगैरह, नहीं, आपकी वाइफ हूँ मैं, आपको मेरी ना हर चीज नोटिस करनी चाहिए, आप ना सूखे हुए थे, आप ना सरू से सूखे हुए थे, ये देखो आप ना सूखे हुए थे, आप बताओ कहाँ पे इनका
का शरीर बना हुआ है। उसके बाद की फोटो है पड़ी है मेरे पास। कहाँ है ये देखो, ऐसे ही हो आप। अभी तो मैं बीमार था। अच्छा आपकी हेल्थ वैसी ही है, हेल्थ नहीं बनी। 20 दिन तो मैं रोटी तक नहीं खाई। वो तो नहीं खाई पर हेल्थ में कोई फर्क नहीं है, बस पैंट लूज हो गई आपकी। मैं ना शुरू से ही हेल्थी थी और मैं अभी भी हेल्थी हूँ। बच्चे की तरह फोटो है ये मेरी। ये मैंने शरीर बनाया है तेरा। ये मेरी शादी के बाद की पिक्चर है। एक साल में ये ऐसी हो गई थी मैं पतली सूख के, क्योंकि ये आदमी ना मेरी ना केयर नहीं करता था। ये देख लो इसका नतीजा बिल्कुल भी। और अब मेरी केयर करते हैं तो अब मैं ऐसी हूँ। ये देखो अब मैं ऐसी हूँ, ऐसा वेट है मेरा। A few moments later. तुझे मेरी वीर जैसा है कौन मेरा, तेरो प्यार रहे ओ वीर मेरी, तेरी आन सदा सजती रहे, मैं करती हूँ रब से ये दुआ, तेरी शान रहे और मान रहे, तेरो प्यार रहे ओ वीर मेरी, तेरी आन सदा सजती रहे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होगी बहुत ज्यादा लंबी, तो इसको मैंने ना दो भागों में बना दिया है अपने इस व्लॉग को। तो ये दो भागों में आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हो अभी फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट आपको ना कल देखने को मिलेगा। और कल का जो पार्ट होगा ना वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसमें ना और भी ज्यादा मस्ती है। मेरे पियर की तरफ से व्लॉग होगा वो, और ये फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ का देखने को मिला मेरे इस घर का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये भाई दूज का फर्स्ट पार्ट का व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेकंड पार्ट भी पसंद आएगा। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलो। तो मिलती हूँ कॉल आपको एक नए व्लॉग के साथ।